वेलकम फ्रेंड्स एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है डीए यानी महंगाई भत्ते बढ़ोतरी को लेकर करोड़ों कर्मचारी पेंशनों के लिए आगे सबसे बड़ी खुशखबरी। महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बम्पर बढ़ोतरी को नोटिफिकेशन हुआ जारी वेतन के साथ साथ पेंशन में बड़ा बदलाव सत्रह फीसदी की बम बढ़ोतरी कर्मचारी पेंशनों की लगी लॉटरी अट्ठारहवां बैर भुगतान और साथ में फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर गुड न्यूज़ जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कर्मचारियों पेंशन पेंशनभोगी और, और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे सबसे पहले तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के देश के सरकारी बैंक के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है एक नवंबर 2022 से पेंडिंग सैलरी बढ़ोतरी मांग पर सहमति बन चुकी है जिसका मतलब अब सरकारी बैंक के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनियन पांच सालों के लिए सत्रह फीसदी वेतन बढ़ोतरी लागू की जाएगी इसमें बेसिक सैलरी पर तीन फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ जोड़ा जाएगा साथ ही समझौते के दौरान पेंशन संशोधन पर भी सहमति जताई गई है वहीं एसोसिएशन ने बैंकों में पांच दिन काम को लेकर भी सहमति जताई है हालांकि इस पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय का होगा लेकिन पेंशनर के लिए अच्छी बात यह है कि लंबे समय के इंतजार के बाद पेंशन में संशोधन होगा केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल की पहली छमाही यानी जनवरी जून की अवधि के लिए महंगाई भत्ते का इंतजार है इसी बीच पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1 जनवरी 2024 से अपने कर्मचारियों के भत्ते को बढ़ा दिया है वैसे तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीए बढ़ोतरी का ऐलान दिसंबर महीने में कर दिया था लेकिन अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था मैं घोषणा करती हूं कि राज्य सरकार के सभी चौदह लाख कर्मचारी सभी स्कूलों और विश्वविद्यालय के शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारियों सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मियों और पेंशनभोगों का डी ए बढ़ाया जाएगा ममता बनर्जी ने कहा कि डीए बढ़ोतरी के लिए उनकी सरकार को 2400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा बता दें कि पश्चिम बंगाल में कर्मचारी का महंगाई भत्ता पहले 6 फीसदी मिलता था जो नई बढ़ोतरी के बाद 10 फीसदी हो जाएगा